हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टर टेक। गाइस, जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन 5 मिनट्स ओनली। तो यहां पर आज हम यही देखने वाले हैं कि हम कैसे सीखेंगे वेबसाइट बनाना विदाउट एनी कोडिंग स्किल्स। कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है, चाहे आप टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे आप एक शॉपकीपर हो। जस्ट आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा, और आप बना पाएंगे इस तरह की वेबसाइट बहुत ही ईजिली। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक डेमो वेबसाइट बताता हूँ कि मैंने आपके लिए क्या डेमो वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, जिसको देखकर आप इंस्पायर हो कि आपको भी वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक डेमो वेबसाइट अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्रिएट करी है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर निखिल शर्मा लिखा रहा है। बैकग्राउंड में मैंने अपना पिक्चर ऐड कर रखा है हेडर में। ऊपर कुछ लिंक्स आ रहे हैं, होम, व्लॉग, प्लेसेस टू विजिट, देन इसके बाद निखिल शर्मा, बीच में अपनी वेबसाइट का टाइटल एक्सेट्रा आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आए तो यहाँ पर मैंने अपने जो पर्सनल सोशल अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स यहाँ पर बटन से अटैच कर रखे हैं। सपोज सब मैं यहाँ पर फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा फेसबुक का जो पर्सनल सोशल पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो वेबसाइट आप देख रहे हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा मैंने नीचे अभी तक क्रिएट नहीं करा है, डिपेंड्स कि मैं यहाँ पर और क्रिएटिविटी क्या दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्यूटेशन ऐड कर दी है अपनी ट्रैवलिंग हैबिट को लेते हुए, और जस्ट नीचे यहाँ पर ऐड कर दिया है कॉपीराइट निखिल शर्मा 2019 ऑल राइट रिजर्व। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितना सिंपल अभी मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है जो वेबसाइट की शक्ल में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा फेसबुक का सोशल पेज है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से सभी बटन्स वर्क करेंगे, सब कुछ वर्क करेगा। इस वेबसाइट को आप यूज ले सकते हैं किसी तरह का रिज्यूम क्रिएट करने के लिए, ई पोर्टफोलियो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, अगर सपोज आपका बिजनेस पोर्टफोलियो आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर सपोज आप अपने बारे में लिखना पसंद करते हैं तो उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस शॉप वगैरह है तो आप उसके लिए ये वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें आपको किसी तरह की कोडिंग स्किल की जरूरत नहीं है। कैसे क्रिएट करना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ की जरूरत आपके पास पड़ेगी इस तरह की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी जीमेल अकाउंट की, जो आपके पास 100% होगा। नहीं होगा तो आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके का जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाने के बाद जस्ट आपको लिख देना है गूगल साइट्स। ठीक है, गूगल साइट पर जाना है। ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है जो कि गूगल की तरफ से आपको फ्री फैसिलिटी दी जा रही है, जिसमें आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करने के लिए मिलता है। कैसे अभी आपको पता लग जाएगा। हाँ, एक ब्लॉगर प्लेटफॉर्म भी है जो कि गूगल के प्रोडक्ट है, लेकिन वो इससे काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्लॉगर की बात नहीं कर रहे हैं, गूगल साइट की बात कर रहे हैं। इसको कोई भी ईजिली बिना किसी टेक्निकल स्किल के क्रिएट कर सकता है। कैसे, तो यहाँ पर हमने गूगल साइट गूगल पर क्लिक करा, तो यहाँ पर हमने गूगल साइट गूगल पर सर्च करा और यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आएगा गूगल साइट्स। ठीक है, आप देखें https://sites.google.com, इसको आपको ओपन करना है। न्यू लिंक में मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए ये हमसे जीमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए पूछेगा, क्योंकि ये जीमेल के बिना गूगल साइट प्रोडक्ट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अपने जीमेल आईडी से इस अकाउंट को लॉगिन करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो रहा है गूगल साइट्स। और लॉगिन होने के बाद अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गूगल साइट का जो फर्स्ट फीचर है वो यहाँ पर आपको शो हो गया है, वेलकम टू द न्यू गूगल साइट्स। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि आप यहाँ पर कितनी भी वेबसाइट बना सकते हैं। एक जीमेल से आप कितने भी वेबसाइट, रिज्यूम, ई पोर्टफोलियो, आपका प्रोजेक्ट, जिसको भी आपको डिजिटल फॉर्मेट में रखना है, अगर आप किसी की शादी है और आपको उसका कार्ड डिजाइन करके आपको एक लिंक जनरेट करना है, कर सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल विद दिस फीचर। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो लुक होगा इस तरीके का आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है जस्ट स्टार्ट योर फर्स्ट साइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लिखा है क्लिक प्लस टू क्रिएट न्यू साइट। तो यहाँ पर आपके पास नीचे प्लस का साइन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर न्यू साइट क्रिएट करने के लिए आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। तो ये है आपका फर्स्ट लुक, आप देख सकते हैं इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपनी जो पर्सनल वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है एंटर साइट नेम, आप लिख सकते हैं। सपोज हम अपनी बस टुडे के लिए वेबसाइट क्रिएट करते हैं, बस टुडे टैग हमारे चैनल का नाम है, हमने यहाँ पर बस टुडे टैग लिख दिया। पेज टाइटल भी हम यहाँ पर बस टुडे टैग लिख देते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने
इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आप, देखें कितनी आसानी से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं आपको एक डेमो पेज यहाँ पर क्रिएट करके बता रहा हूँ, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन है कस्टमाइज की भी, बट जितने यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बस ट्वेट टैग लिख दिया है और पीछे आप इस अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हेडर टाइप सबसे पहले देख लीजिए, हेडर टाइप आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, लाइक कवर, अगर आपको कवर करना हो तो इस तरीके का पूरा आपके पास इंटरफेस आ जाता है। अगर आपके बीच में नहीं लग रहा है तो आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और हेडर टाइप में आपके पास लार्ज बैनर ये है, बैनर ये, देन टाइटल ओनली, सिर्फ टाइटल, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से बैनर चूज़ करता हूँ, बैनर चूज़ करने के बाद यहाँ पर चेंज इमेज हम कर देंगे। चेंज इमेज में हम एक इमेज अपलोड कर देते हैं, सपोज़ हमारा टैग पेज है ये, टैग चैनल से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर मैंने एक इमेज यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है टैग से रिलेटेड, जस्ट मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैंने वो इमेज पुट कर दिया, ठीक है। एडजस्टिंग फॉर रीडेबिलिटी यहाँ पर हो रहा है, एडजस्टिंग फॉर रीडेबिलिटी से क्या होगा कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये थोड़ी धुंधली हो जाएगी और आपका टेक्स्ट जो है वो आपको क्लियरली नज़र आएगा। यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है जहाँ से आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस टाइटल में लिंक कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू और योर क्रिएटिविटी, ठीक है। सपोज कि मुझे लग रहा है कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ज़्यादा डेंस हो रहा है, इससे मेरा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ या फिर दूसरा बैकग्राउंड मैं यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं वो इमेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ पर आप इमेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आप देखें कि यहाँ पर आपके पास एक सेक्शन आ रहा है और यहाँ पर आप देखिए आपके पास इंसर्ट पेज और थीम्स, यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पेज की, ठीक है, या फिर चलिए इंसर्ट की बात कर लेते हैं। इंसर्ट में अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर आप देखें बोल्ड, इटैलिक और मीडियम, यानी कि अलाइनमेंट है उसका वो सेट कर सकते हैं। लिस्ट में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए या फिर इसका बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया इस कलर का। डेमो टेक्स्ट में अगर आपको नॉर्मल से बड़ा चाहिए, हेडिंग टेक्स्ट चाहिए, इस तरीके से कर सकते हैं और इसको आप अलाइनमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो अपने आप आपको यूज़ करना आ जाएगा। इसके बाद सपोज आपको इमेजेस इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। एम्बेड यानी कि कोई लिंक आपको एम्बेडेड करना है तो वो यहाँ पर एम्बेडेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, एक के बाद एक नीचे ऐड होते जाएंगे और जो आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, डिलीट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेआउट है, अगर आपके पास इस तरह की इमेज और साइड में ऐसा टेक्स्ट चाहिए तो आप ये लेआउट सेलेक्ट करें, दो इमेजेस नीचे टेक्स्ट चाहिए तो ये, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने ये पहला लेआउट सेलेक्ट करा तो इस तरीके का आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डेस्कटॉप से इमेज हमने यहाँ पर सपोज ये सेलेक्ट करी और यहाँ पर आप अपना पर्सनल आर्टिकल लिख सकते हैं, व्हाट इज मदरबोर्ड, और इसके नीचे आप इसका आर्टिकल लिख दीजिए तो यहाँ पर डायरेक्ट ही याद आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल लेआउट्स हैं, उनको आप चूज़ कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, बटन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी अपने उस प्रोजेक्ट में जो डेमो प्रोजेक्ट आपको दिखाया निखिल शर्मा के नाम से उसमें ऐड कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से बटन यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे क्लिक करेंगे आप बटन का नेम लिख दीजिए, सपोज फेसबुक पेज है आपका और जिस लिंक के साथ, जो उस पेज का लिंक है जो आपको कनेक्ट करना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, सपोज़ facebook.com अभी हम अनेबल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास बटन आ जाएगा, इस तरीके से ही आपको आगे ऐड करना है, मोर बटन ऐड करेंगे तो आगे बटन आते आप जाएंगे आपके पास। ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा आपको देता है, सपोज अगर आपको बटन यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर ले जा सकते हैं, तो आपके पास देखिए बटन यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ रहा पसंद तो आप टेक्स्ट को भी यहाँ पर ला सकते हैं, तो जिस तरीके से आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा मिलती है।
ठीक है, ये तो रहा आपका लेआउट क्रिएट करने का तरीका। पेजेस में आते हैं। पेजेस में आने के बाद अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल पेजेस चाहिए, होम के साथ अगर चाहिए आपको मल्टीपल पेज, सपोज प्रोडक्ट्स, सपोज मेरा बस क्रिएट है कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से क्रिएट कर दूंगा न्यू पेज। ठीक है, तो यहाँ पर होम आ गया है और प्रोडक्ट्स भी इसके बाद आ जाएगा। आप देखें होम प्रोडक्ट्स सपोज और आपको चाहिए तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन अगर आप कुछ प्रोवाइड करते हैं तो आप सॉल्यूशन भी ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जितने पेजेस यहाँ पर हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मेन्यू आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जिन पर जाके आप अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं, और उन पेजेस पे जाके सपोज प्रोडक्ट पे जाके आप उनका अलग से पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, कंप्लीट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास थीम्स। थीम्स में जाने के बाद आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं किस तरह का कलर चाहिए, जैसे कि बटन का कलर चेंज हो गया, यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं किस तरह की फॉन्ट आपको चाहिए अपने पेज पर, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो लिखा आ रहा है वो किस तरीके का चाहिए, सपोज़ इस तरीके का चाहिए एरिस्टोटल डिप्लोमेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ थीम्स आ रही हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो ये था आपके पास जस्ट आपका एक तरीका कि किस तरीके से अब आगे कैसे बढ़ेंगे। सपोज़ आपका पेज कंप्लीट हो गया है, आप उसको या तो सेव कर सकते हैं या फिर आप पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करते ही फर्स्ट टाइम जब भी आप पब्लिश करेंगे तो आपसे वेब एड्रेस पूछेगा। वेब एड्रेस में आपका लिंक इस तरीके से आएगा https://sites.google.com/view/bustoday-tag या फिर आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, सपोज बस टूडे आप सिर्फ लिख देते हैं और टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बस टुडे टेक्नोलॉजी या फिर बस टुडे टैक आप यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, मैंने बस टुडे टैक के नाम से ऑलरेडी एक पेज बना रखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर हाइफन लगा देता हूँ, बस टुडे टैक आप यहाँ पर लिख देते हैं तो सब यहाँ पर आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। कल को सपोज आपका ये जो पेज क्रिएट हो जाता है, आप सपोज अभी आप इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और कल को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए URL भी बाय कर सकते हैं, सपोज .com .net वगैरह आपका जो भी यूज़र नेम है उसके साथ .com लगा के। उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टम URL में जाना पड़ता है और डोमेन खरीदने के बाद आप इसके साथ अपनी इस वेबसाइट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस और इसके बाद जस्ट आपको पब्लिश करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग नहीं करनी है, रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन टू नॉट डिस्प्ले माय साइट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर्च इंजन पर डिस्प्ले हो आपकी वेबसाइट तो इस पर आप चेक नहीं करेंगे, देन पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करते ही आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी और ये लिंक जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इस लिंक से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास जस्ट ये ऑप्शन है इस वेबसाइट को क्रिएट करने में, बहुत ही ईजी और बहुत ही फाइन तरीका है किसी भी तरीके की वेबसाइट को इजीली क्रिएट करने का। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जिन लोगों ने इस तरह की वेबसाइट गूगल साइट से क्रिएट कर रखी है आपको पास। सबसे पहला एग्जांपल है ई गेमिंग एक्सपर्ट्स की वेबसाइट है जो गूगल साइट से क्रिएट की हुई है, जिसको आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने डेवलप किया हुआ है और बहुत ही अच्छी वेबसाइट दिखने में लग रही है। ठीक है, दूसरी वेबसाइट रेस्टोरेंट की आप देख सकते हैं, जिसमें ENT हॉस्पिटल की वेबसाइट यहां पर क्रिएट की गई है, जहां पर इन्होंने अपॉइंटमेंट रिसोर्सेज फॉर्म्स यानी कि अपने बिजनेस के हिसाब से यहां पर मेन्यू ऐड कर रखे हैं। तीसरी वेबसाइट आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पर मेन्यूज दे रखे हैं, पीपल रिसर्च इंस्ट्रूमेंट पब्लिकेशन टीचिंग कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। इसके बाद अगर आप रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो रिज्यूम वेबसाइट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद होम CV रिसर्च टीचिंग जो भी इन्होंने किया हुआ है उसके मेन्यूज यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। तो बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा तरीका है ये एक वेबसाइट क्रिएट करने का, आप भी क्रिएट कीजिए। अगर आप सपोज इन फ्यूचर आप डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं तो डोमेन खरीद कर आप इससे लिंक कर सकते हैं, आपका 90% वर्क इस वेबसाइट से हो सकता है और आपके वेबसाइट को मिलेगा यानी कि आपके वर्क को मिलेगा एक शोकेस इस वेबसाइट के थ्रू, जिससे आप अपनी जो अगर आप बिजनेस में हैं तो सेलिंग इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आप अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हैं एक्सेट्रा। इट डिपेंड्स ऑन योर यूज, आप किसी भी यूज में ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वेबसाइट क्रिएट करने की इन्फॉर्मेशन कैसी थी। आगे आने वाली वीडियोज में HTML और JavaScript की हेल्प से भी
हम आपको वेबसाइट क्रिएट करना बताएंगे जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी, किसी भी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपकी ये वीडियो हेल्पफुल हो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से मिलेंगे आपको नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।